हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के वीडियो हम देखेंगे, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे, वो है किसी भी जॉब या माप कितने प्रकार से कर सकते हैं, किसी भी जॉब का हम माप कितने प्रकार से ले सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो कोई भी जॉब उसको हम लोग चार प्रकार से मापते, देखें जॉब या पार्ट को माप हम चार प्रकार से ले सकते हैं। कोई भी जॉब या कोई भी पार्ट्स हो उसके हम कितने प्रकार से मापने की विधि होती है, चार प्रकार से। कौन कौन सी विधि होती है तो देखिए, पहला विधि रेखीय माप, रेखाई में लंबाई में जो मापा जाता है सीधी रेखा में, उसे रेखीय माप, कोणीय माप, रेडियल माप और समतल माप। तो देखिए बारी बारी से हम देखेंगे और समझेंगे। तो पहला बोलता है रेखीय माप, ये देखिए एक लाइन है रेखा सीधी, तो जो सीधी रेखा में जो मापा जाता है उसे हम रेखीय माप कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन देख लें, किसी भी जॉब को जो हमेशा सीधी रेखा में मापे जाते हैं उसे रेखीय माप या लंबाई की माप कहते हैं। जो सीधी रेखा में हमेशा मापा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेखीय माप या लंबाई में माप कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसको हम देखेंगे। पर तो इसके लिए स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, माइक्रोमीटर और कैलिपर। ठीक है, तो आप देखिए फिगर में वो देख सकते हैं, सीधी रेखा मापने वाले इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये हो गया देखिए स्केल, कैलिपर्स, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर, ये सीधी रेखा मापने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं जिसे हम यूज करते हैं सीधी रेखा मापने में। अब दूसरा पॉइंट बोलता है कोणीय माप। कोणीय माप बोलता है कि दो सतह जब आपस में मिलती हैं, तो जैसे देखिए एक सतह ये हो गया और एक सतह ये हो गया, दो सतह जब आपस में मिलता है तो एक कोण बनता है, तो उसे कोणीय माप कहते हैं। उसे माप को लेने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कोणीय माप कहते हैं। इसमें इसे मापने कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है उसको देख लेंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। पहले किसी जॉब की दो सतहें, देखिए बोला दो सतह, एक सतह ये हो गया एक सतह ये हो गया, तो किसी जॉब की दो सतह आपस में मिलता है तो कोण बनता है। आपस में मिलता है तो मान लीजिए एक और ऐसे खींच दिए, तो एक सतह ये हो गया और एक सतह ये हो गया, ये एक सतह ये हो गया एक सतह, दो सतह हो गया किसी भी मिल सब, देखिए तो बोला किसी भी जॉब की सतह आपस में मिलता है तो कोण बनता है, तो कोण की माप को कोणीय माप कहते हैं। ठीक है, और ये कोणीय माप मापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है उसको देख लेते हैं। तो पहले देखिए कम्बिनेशन बेवल, यूनिवर्सल बेवल, साधारण बेवल और वर्नियर वेव प्रोटेक्टर। तो देखिए आपका ये हो गया कम्बिनेशन बेवल, इसे बोलते हैं ये कम्बिनेशन सेट, इसे बोलते हैं ये कम्बिनेशन बेवल आपका हो गया, और ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो गया, और ये साधारण बेवल हो गया। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं हमें एंगल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, आप बुक में देखिएगा सब फिगर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट बोलता है रेडियल माप। ये रेडियल माप बोलता है कि कोई सर्कल हो या उत्तर या अवतल हो उसे मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे रेडियल माप कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंस देखिए, किसी जॉब को गोलाई या उत्तर अवतल सतहों के मापने को रेडियल माप कहते हैं। ठीक है, अब इसको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है इसमें, तो देखिए पहला है रेडियल गेज, प्लग गेज और रिंग गेज। ये रेडियल माप मापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, तो रेडियल गेज, प्लग गेज और रिंग गेज। इसके इंस्ट्रूमेंट का फिगर एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये आपका हो गया रेडियल गेज, इसे हम प्लग गेज भी बोलते हैं, इसे हम रिंग गेज बोलते हैं। तो ये रेडियल माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, अब लास्ट है समतल माप। ये देखिए मान लीजिए टेबल है, टेबल पर जब आप खाना खाते हैं ऊपर में रखकर, तो आपका सतह प्लेन होता है, तो जो प्लेन सरफेस ऊंचा नीचा गड्ढा ऊंचा कहीं पर है होता है घर में हो जाता है, तो गड्ढा ऊंचा को पता करने के लिए कि इसमें गड्ढा ऊंचा ना हो तो उसे पता करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है तो उसे देखेंगे। और एक प्लेन सरफेस गड्ढा ऊंचा कहीं पर ना हो उसको मापने के लिए हम लोग प्लेन समतल माप कहते हैं। देखिए देखिए इसका डिफरेंस बोलता है किसी जॉब की प्लेन सरफेस की, कोई जॉब हो मान लीजिए टेबल है, तो एक तरह से ये जॉब ही है ना टेबल, तो एक बार किसी भी जॉब की प्लेन सरफेस, इसके ऊपर का प्लेन सरफेस की समतलता, की समतलता की माप, इसके ऊपर जो टेबल के ऊपर जो सरफेस की समतलता जिसमें हम बैठे खाना खाते हैं, खाना रखते हैं, तो उसकी समतलता की जांच करने के लिए करना ही समतल माप कहलाता है। तो इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है उसको देख लेंगे। तो देखिए देखिए स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज, डल टेस्ट इंडिकेटर। तो देखिए ये आपको देखिए ये क्या हो गया आपका सरफेस, ये हो गया आपका सरफेस गेज हो गया, आप देख सकते हैं सरफेस गेज, ये आपका हो गया एंगल प्लेट, नहीं इसको हम बोलते हैं सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट होते हैं, ये सरफेस गेज हो गया, सरफेस प्लेट हो गया, ये स्ट्रेट एज हो गया ये, और ये आपका हो गया स्क्वायर हेड। देखिए स्क्वायर में हो गया ये इस तरह से, देखिए स्क्वायर में है ना इस तरह से स्क्वायर हेड, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल घड़ी के डायल की तरह है,
इसमें पॉइंट लग रहा था, यही से ऊपर नीचे दबता तो बताता है सरफेस प्लेन है कि नहीं। तो ये आपको इस सतह की समतलता मापने वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया, सरफेस गेज, एंगल, सरफेस प्लेट, स्ट्रेटेज, स्क्वायर हेड और डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो इस तरह से हम सरफेस प्लेट समतल के समतल सतह की माप कर सकते हैं। तो माप के चार विधियाँ हैं, उसके चारों का डिफिनेशन एक बार आप अच्छे से इसे रीडिंग दे लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि इसी तरह भी और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।